Hello students, how are you? I hope you are doing well and enjoying your studies. My name is Enjo, your backup teacher, and you are watching my channel Organjo Chem. Let's start our interaction. Hello students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट फोर्थ. ठीक है, पार्ट थर्ड में हम लोगों ने साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन की जीआई को डिस्कस करा था. आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टाइप के मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन की. तो इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन होते क्या है. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास किसी भी साइज की रिंग है. सपोज हमारे पास एक सिक्स मेंबर रिंग है और इस सिक्स मेंबर रिंग के जब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब ऐसे मॉलिक्यूल को हम एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन कह देते हैं. इस मॉलिक्यूल को हम मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं. इसे हम मिथाइलाइडिन साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं. तो आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसिडर करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जो एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन होता है उसकी जीआई को हम दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट, अबाउट द रिंग. ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमको मिनिमम दो ऐसे कार्बन या एटम ढूंढने हैं जिनके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम लगे हो. ठीक है, और इसको हम डिटेल में पार्ट थर्ड में डिस्कस कर चुके हैं. इसी तरह जो एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन है उसकी जीआई को हम सेकंड तरीके से यानी अबाउट द डबल बॉन्ड भी कंसिडर करेंगे. और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसके sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम प्रेजेंट होने चाहिए और दोनों ही कार्बन पर ऐसी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और दोनों ही कार्बन पर इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टाइप के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल थे उनको हम पार्ट वन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके डिवाइस की स्क्रीन पर टोटल 8 डिफरेंट टाइप की एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन मेंशन की गई है. हमको करना क्या है, इन सभी मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में और रिंग के रिस्पेक्ट में हमको जीआई कंसिडर करनी है. इनमें से जो भी प्रेजेंट होगा उसके नीचे हम लोग टिक मार्किंग कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन की. एग्जाम्पल नंबर वन में इस एल्कीन के sp2 कार्बन पर हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप है, तो इसलिए इस एल्कीन से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है. जब हमको एक ही साइड में इसके दो आइडेंटिकल एटम मिल गए तो दूसरी कंडीशन sp2 कार्बन पर चेक करने की जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं इस साइक्लोएल्केन पर. साइक्लोएल्केन के इन कार्बन पर कहीं भी हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में रिंग के कारण भी जीआई प्रेजेंट नहीं होगी. यानी एग्जांपल नंबर वन जो होगा जीआई शो नहीं कर सकता. ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड. एग्जांपल नंबर सेकंड में अगर एल्कीन के इस sp2 को देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप है. ठीक है, और एल्कीन के इस sp2 को देखें तो CIP रूल के अकॉर्डिंग ये वाला पूरा हिस्सा जो है इस हिस्से के इस पार्ट के बिल्कुल इक्विवेलेंट है. कैसे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है CH2, तो यहाँ भी हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास अगेन CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल है. तो इसका मतलब ये हुआ इस एल्कीन ने इस हिस्से पे तो डिफरेंट ग्रुप रखे बट इस एल्कीन के इस sp2 पे सेम ग्रुप थे, तो इस मॉलिक्यूल में एल्कीन के कारण तो जीआई पॉसिबल नहीं है. अब बात करते हैं इसके साइक्लिक पार्ट की. इसके साइक्लिक पार्ट में कहीं भी हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन प्रेजेंट नहीं है. इन सभी कार्बन पर हर पर दो दो आइडेंटिकल ग्रुप, दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो इससे रिंग की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो ये मॉलिक्यूल जो होगा एल्कीन और रिंग दोनों से ही जीआई शो नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर थर्ड. एग्जाम्पल नंबर थर्ड में इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी की कंडीशन चेक करते हैं. इस sp2 कार्बन पर ये दो ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, एक साइड कंडीशन मैच हो गई. अब करते हैं इस sp2 कार्बन की कंडीशन मैच, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग ये वाला हिस्सा डिफरेंट होगा. क्यों डिफरेंट होगा, यहाँ CH2 तक तो सेम है बट यहाँ पे C के ऊपर A लगा हुआ है और यहाँ पे C के ऊपर B लगा हुआ है, तो यानी ये वाला हिस्सा जो होगा वो डिफरेंट होगा. तो इस C डबल बॉन्ड C में
ये वाले दोनों एटम डिफरेंट हैं और इस sp2 पे ये वाले दोनों हिस्से अगेन cip रूल से डिफरेंट हैं, तो इस मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड सी के कारण जीआई प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइक्लिक मॉलिक्यूल की। साइक्लिक पार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें ये वाला जो कार्बन है अगेन हमारे पास sp3 होगा और इस पे दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एक प्रेजेंट है इस पे ए ग्रुप और दूसरा इस पे प्रेजेंट होगा एच। इसी तरह इस कार्बन पर भी दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारे पास प्रेजेंट है बी और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट होगा एच। और कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि हमको दो, कम से कम दो ऐसे sp3 एटम या कार्बन ढूंढने हैं जिन पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा अपने साइक्लिक पार्ट से यानी रिंग पार्ट से भी जीआई की कंडीशन फुलफिल करता है और यहां से भी जीआई पॉसिबल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फोर में एल्कीन के इस sp2 एंड पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और इस sp2 एंड की बात करें तो ये भी हमारे पास cip रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप है, यानी इस मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड सी से जीआई पॉसिबल होगी। और इसी तरह अगर हम इसके साइक्लिक पार्ट की बात करें तो इस कार्बन पर हमारे पास वाई और एच प्रेजेंट है, यानी दो ग्रुप डिफरेंट हो गए, और इस कार्बन पर हमारे पास जेड और एच प्रेजेंट है, अगेन हमारे पास दो ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो इन दोनों कार्बन के अलोंग जो है रिंग के कारण जीआई इसकी पॉसिबल होगी। तो ये मॉलिक्यूल अपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और रिंग दोनों से ही जीआई शो कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल में इस sp2 कार्बन पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और इस sp2 कार्बन पर ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से से डिफरेंट है। डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे डी प्रेजेंट है जबकि इस कार्बन पे हमारे पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला हिस्सा दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में जो सी डबल बॉन्ड सी है उसने तो अपनी जीआई की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं रिंग की। रिंग में अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करें तो इस पे हमारे पास डी और एच प्रेजेंट है, यानी ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। बट ऐसे कार्बन हमको रिंग में दो ढूंढने हैं जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और sp3 हो, तो इसके अलावा तो हमको और कोई कार्बन इसमें मिला ही नहीं। तो इस कारण से ये मॉलिक्यूल जो है रिंग के कारण अपनी जीआई शो नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर सिक्स में सी डबल बॉन्ड सी के इस sp2 पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप ना होकर दो आइडेंटिकल ग्रुप है, यानी ये वाला हिस्सा जो है अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप है तो इस हिस्से को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको तो दोनों sp2 पे डिफरेंट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ये सिक्स नंबर मॉलिक्यूल एल्कीन के कारण तो अपनी जीआई शो नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके साइक्लिक पार्ट की। अगर इस कार्बन को हम कंसिडर करें तो इस पर दो ग्रुप प्रेजेंट है बी और एच। इसी तरह इस कार्बन पर भी दो ग्रुप प्रेजेंट है बी और एच, और दोनों कार्बन क्या है? दोनों कार्बन sp3 है। तो इस हिस्से से जो रिंग की जीआई की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स जो है रिंग के थ्रू जीआई शो कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर सेवन में इस एल्कीन के sp2 हिस्से पे ये हमारे पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस sp2 हिस्से पे ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले ग्रुप से डिफरेंट है। तो यानी ये मॉलिक्यूल जो होगा अपने सी डबल बॉन्ड सी के थ्रू जीआई शो कर सकता है। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल के साइक्लिक पार्ट की। साइक्लिक पार्ट में इस जगह पर हमारे पास डी और एच दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप ई और एच लगा हुआ है, और दोनों ही कार्बन क्या हैं? दोनों ही कार्बन sp3 है, यानी इन दोनों कार्बन से हमारे पास रिंग की जीआई की कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी ये मॉलिक्यूल जो होगा सी डबल बॉन्ड सी और रिंग दोनों से ही जीआई शो कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर एट में हमारे पास इस एल्कीन के इस sp2 पे दोनों सेम ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ ये मॉलिक्यूल एल्कीन के कारण तो जीआई शो कर ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इसके साइक्लिक पार्ट की। साइक्लिक पार्ट में इस कार्बन पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो हमारे पास ए है और एक हमारे पास यहाँ पे एच होगा। तो इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसी तरह अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करें, इस कार्बन पे हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास एक एच होगा। ठीक है, और इन दोनों कार्बन के बात करें तो ये दोनों कार्बन क्या है? ये दोनों कार्बन sp3 है।
तो इसका मतलब ये हुआ हमको दो कार्बन ढूंढने थे मिनिमम जो sp3 हो और दोनों पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप लगे हो। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा रिंग के कारण अपने gi की कंडीशन फुलफिल करेगा और रिंग के थ्रू gi शो कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में इस कार्बन पर ये हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप है, बट इस sp2 कार्बन पर ये पूरा हिस्सा जो है दोनों ये पार्ट आइडेंटिकल है, यानी इस मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड सी के कारण जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर इसके हम साइक्लिक पार्ट की बात करें तो इस कार्बन पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ए और एक इस पे हमारे पास एच है, ठीक है, और ये कार्बन है भी sp3। तो ऐसा हमारे पास एक कार्बन तो मिल गया जो डिफरेंटली डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, बट इन बाकी कार्बन पे क्या है, ये चारों कार्बन sp3 तो है बट सबके ऊपर दो दो आइडेंटिकल एच लगे हुए हैं। तो इन चारों कार्बन में से हमारे लिए कोई भी ऐसा एक कार्बन और नहीं है जो कंडीशन फुलफिल कर पाए। तो कंपाउंड नंबर 9 जो होगा ये अपना रिंग के कारण जीआई शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। 10 नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन दिया गया है, इसको भी हम सी डबल बॉन्ड सी की तरह ही डील करेंगे क्योंकि इसमें ये भी हिस्सा sp2 है कार्बन है और ये हिस्सा जो है ये sp2n है। ठीक है, तो इस एन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो ये हिस्सा हमेशा आपका दो डिफरेंट ग्रुप रख पाएगा। क्यों? क्योंकि इस हिस्से पे हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर को हम स्यूडो एटम की तरह डील करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पे कोई भी ग्रुप लगा दें, ए की जगह पर एनी ग्रुप लगाएंगे तो ये ए और लोन पेयर हमेशा दोनों डिफरेंट एंड हो जाएंगे, यानी इस sp2n से तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं इस sp2 कार्बन की। तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ये वाला हिस्सा जिस पे यहाँ पे इस कार्बन पर ए लगा हुआ है और ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये दोनों हिस्से डिफरेंट माने जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है अपना सी डबल बॉन्ड एन के कारण, यानी ये मॉलिक्यूल अपना सी डबल बॉन्ड एन के कारण जीआई शो करेगा। अब बात करते हैं इसके रिंग के पार्ट की। रिंग में हमारे पास केवल एक ही ऐसा कार्बन है जो sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, तो रिंग के कारण ये मॉलिक्यूल अपनी जीआई शो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन दिया गया है और ये हिस्सा अगेन दो डिफरेंट ग्रुप रखे हुए हैं क्योंकि एक तो इसमें बी प्रेजेंट है और दूसरा इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इस sp2 कार्बन की। इस sp2 कार्बन पर ये दोनों हिस्से जो हैं बिल्कुल सेम है, तो ये मॉलिक्यूल जो होगा सी डबल बॉन्ड एन के कारण जीआई शो नहीं कर पाएगा। और अगर इसके साइक्लिक पार्ट की बात करें तो इस साइक्लिक पार्ट में ऐसा एक भी sp3 कार्बन हमको नहीं मिल रहा जो दो डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो होगा सी डबल बॉन्ड एन और रिंग दोनों के थ्रू ही अपनी जीआई शो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप है, ये हिस्सा sp2n जो होगा अगेन दो डिफरेंट ग्रुप रखे हुए हैं, एक तो हमारे पास ये ए है और दूसरा इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हो गए। अगर हम इसके sp2 कार्बन की बात करें तो ये हिस्सा जो है जिसपे इस कार्बन पर बी प्रेजेंट है और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये दोनों जो पार्ट होंगे वो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट डील किए जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसमें सी डबल बॉन्ड एन की जीआई की कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर हम बात करते हैं इसके साइक्लिक पार्ट की, इसके साइक्लिक पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक ऐसा कार्बन मिल रहा है जिस पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी इस कार्बन पर हमारे पास बी और एच प्रेजेंट है, बट ऐसे तो हमको दो कार्बन ढूंढने, तो और तो हमारे पास कोई ऐसा कार्बन मिल ही नहीं रहा जिसके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो एग्जाम्पल नंबर 12 जो होगा साइक्लिक पार्ट के थ्रू या रिंग के थ्रू जीआई शो नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13। इस एग्जाम्पल में हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप दिया गया है और एन पे हमारे पास एक बी ग्रुप होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो इसके ऊपर तो दो डिफरेंट ग्रुप हमको मिल गए। अब बात करते हैं इस sp2 कार्बन की। तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इस मॉलिक्यूल में इस साइड तो कंडीशन पूरी हुई है बट इस sp2 कार्बन पर कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो ये मॉलिक्यूल अपना सी डबल बॉन्ड एन के थ्रू जीआई शो नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इसके साइक्लिक पार्ट की।
साइक्लिक पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जिस पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और वो sp3 है। यहाँ पे हमारे पास एक B है और एक हमारे पास H है, जबकि बाकी सभी कार्बन पर हमारे पास सब पर दो दो हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमको ऐसे कार्बन दो ढूंढने थे जबकि हमारे पास तो एक ही मिल पाया। तो जो 13 नंबर एग्जाम्पल होगा वो रिंग के कारण भी अपनी GI शो नहीं कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव सिस्टम की। तो बेसिक क्वेश्चन ये बना, क्यूमुलेटिव सिस्टम होता क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेस पर तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं, जैसे नंबर वन, इफ टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नंबर सेकंड, अगर दो डबल बॉन्ड केवल एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो तो ऐसे सिस्टम को हम कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। नंबर थर्ड, अगर एक ही कार्बन पर दोनों साइड डबल बॉन्ड हो, यानी इस कार्बन पर इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्यूमुलेटिव सिस्टम कहते हैं। तो आज हम क्यूमुलेटिव सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव सिस्टम की हेल्प से हम तीन टाइप के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसे हम क्यूमुलिन, स्पायरेन और हेमिस्पायरेन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलिन की। क्यूमुलिन होता क्या है? अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में सभी तरह के डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव हो, यानी डबल बॉन्ड जो है हर एडजेसेंट कार्बन पे हो, तो ऐसा सिस्टम जो है क्यूमुलिन कहलाता है। और अगर सभी क्यूमुलेटिव बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी इस वक्त आपके हर एडजेसेंट एटम पर रिंग दिखाई दे, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है स्पायरेन कहलाएगा। स्पायरेन में रिंग का साइज मैटर नहीं करता। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने तीनों रिंग जो है फोर मेंबर की ली है, हो सकता था इसमें दो रिंग किसी और साइज की हो, एक रिंग किसी और साइज की हो, यानी होनी इसमें रिंग ही चाहिए और वो भी क्यूमुलेटिव होनी चाहिए, यानी हर एडजेसेंट एटम पर रिंग होनी चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम स्पायरिन कहते हैं। हेमिस्पायरिन जो होता है वो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड को रेंडमली रिप्लेस कर दिया जाए रिंग की हेल्प से, यानी हेमिस्पायरिन मॉलिक्यूल में आपको डबल बॉन्ड और रिंग दोनों क्यूमुलेटिव होंगे और दोनों दिखाई देंगे। जैसे इसमें डबल बॉन्ड है और फिर रिंग है, अगेन डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें दो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आ गए और फिर रिंग आ गई, और इसमें एक रिंग है, बीच में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है और फिर रिंग आ गई। इसका मतलब ये हुआ क्यूमुलिन में हमको सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, स्पायरिन में हमको सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव रिंग दिखाई देंगी, हेमिस्पायरिन में हमको रिंग और डबल बॉन्ड दोनों दिखाई देंगे और दोनों क्यूमुलेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इन तीनों सिस्टम में GI की क्या कंडीशन है। किसी भी क्यूमुलेटिव सिस्टम के GI शो करने की मिनिमम दो कंडीशंस हैं। नंबर वन कंडीशन, इस कंडीशन में जो हमारे पास क्यूमुलिन में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, स्पायरिन में क्यूमुलेटिव रिंग और हेमिस्पायरिन में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्लस रिंग, इनका जो नंबर है वो ओड होना चाहिए, यानी ये नंबर 3, 5, 7 फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने के बाद इसमें सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें ओड नंबर में हमारे पास क्यूमुलेटिव सिस्टम हो गया है, उसमें इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स और एटम जो है वो एक्सट्रीम टर्मिनस पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेन बात इसमें ये बनी कि इनका नंबर जो है ओड क्यों होना चाहिए। क्यूमुलिन के बॉन्डिंग पैटर्न को डिटेल में समझने के लिए हम दो तरह की क्यूमुलिन कंसिडर करते हैं। इस क्यूमुलिन में हमारे पास इवन नंबर का क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड था और इस टर्मिनस पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे, और इस टर्मिनस पर अगेन हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरह एक हमने क्यूमुलिन और कंसिडर करी जिसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की संख्या ओड थी, और इसके भी एक्सट्रीम टर्मिनस एंड पर दो दो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम जो इवन नंबर में क्यूमुलेटिव बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड की बात करें, तो इस कार्बन पर हमारे पास ये py ऑर्बिटल है, और इस कार्बन पर हमारे पास दो p ऑर्बिटल है, एक हमारे पास ये py ऑर्बिटल है, और इसके 90 डिग्री पर राइट एंगल पर ये हमारे पास pz ऑर्बिटल है। इसी तरह इस कार्बन पर हमारे पास एक जो है pz ऑर्बिटल है। अगर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करें तो इस कार्बन का जो py ऑर्बिटल होगा वो इस कार्बन के py ऑर्बिटल के साथ
पैरेलल होगा। पैरेलल होने के कारण ये आपस में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी इन दो कार्बन के पी वाई ऑर्बिटल के कारण जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वर्टिकल प्लेन में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरे पाई बॉन्ड की बात करें तो इस कार्बन का पी जेड ऑर्बिटल इस कार्बन के पी जेड ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होगा, और पैरेलल होने के कारण ये जब दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड पहले वाले पाई बॉन्ड के राइट एंगल पे होगा, यानी इस नए वाले पाई बॉन्ड को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान सकते हैं। तो ये वाला पाई बॉन्ड हमारे पास वर्टिकल प्लेन में था और उसके 90 डिग्री पर ये वाला पाई बॉन्ड यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। अगर हम इस कार्बन के दोनों ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास जो पाई बॉन्ड था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, यानी अब ये दोनों ग्रुप कहाँ जाएंगे, ये दोनों ग्रुप जो है वर्टिकल प्लेन में जाएंगे, यानी कि इन दोनों ग्रुप को हम वर्टिकल प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में मान सकते हैं। इसी तरह ये जो कार्बन के पास जो पाई बॉन्ड है ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन में है, तो इसके साथ लगे हुए ये दोनों ग्रुप कहाँ जाएंगे, ये दोनों ग्रुप जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी ये चले जाएंगे जेड एक्स प्लेन में। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इस मॉलिक्यूल के ऑब्जर्वर हैं तो इस कार्बन पर जो बी होगा ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर यानी आपकी तरफ होगा, और इस कार्बन पर जो ए होगा आपसे दूर होगा यानी फॉर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। अगर हम इन टर्मिनस एंड के प्लेन की बात करें तो ये तो हमारे पास वर्टिकल प्लेन में था यानी सॉलिड लाइन से शो किया गया है जिसे हम एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं, और इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप जो थे ये हमारे पास ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर था और ये फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर था, यानी इसके दोनों ग्रुप का प्लेन सेम नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मान लो हमारे पास इन बॉन्ड का क्यूमुलेटिव बॉन्ड का नंबर ओड होता, ओड होने से क्या होता, इस कार्बन पर देखो ये हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है और इस कार्बन पर अगेन दो पी ऑर्बिटल है जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, ये हमारे पास हो गया पी वाई ऑर्बिटल और इसके राइट एंगल पर 90 डिग्री पर हमारे पास हो गया पी जेड ऑर्बिटल। इसी तरह इस कार्बन पर अगेन दो हमारे पास ऑर्बिटल है जो एक दूसरे के राइट एंगल पे है और इस कार्बन पर हमारे पास एक पी वाई ऑर्बिटल है। चूंकि इसमें हमारे पास तीन पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, अगर हम पहले पाई बॉन्ड की बात करें तो ये अपना पी वाई ऑर्बिटल इस कार्बन के पी वाई ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, यानी ये पहला पाई बॉन्ड हुआ जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन में बन गया। और इस कार्बन का पी जेड ऑर्बिटल इस कार्बन के पी जेड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, जिससे ये वाला पाई बॉन्ड जो बनेगा ये पहले वाले पाई बॉन्ड के 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पर होगा। इसी तरह तीसरा पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन के पी वाई ऑर्बिटल और इस कार्बन के पी वाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो होगा इस वाले पाई बॉन्ड के साथ 90 डिग्री पर होगा, यानी पहला पाई बॉन्ड हमने वर्टिकल प्लेन में रखा, दूसरा पाई बॉन्ड हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, तीसरा पाई बॉन्ड जो है अगेन हमारे पास वर्टिकल प्लेन में रखा। अगर ये वाला पाई बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में है तो इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप कहाँ होंगे, अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो ये जो बी होगा ये टूवर्ड्स योर साइड यानी ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा और ए जो होगा ऑब्जर्वर से दूर होगा। इसी तरह इस कार्बन पर अगर ये पाई बॉन्ड जो है वर्टिकल है तो ये दोनों ग्रुप कहाँ होंगे, हॉरिजॉन्टल रहेंगे, और हॉरिजॉन्टल रहने के कारण बी आपकी तरफ हो जाएगा और ए जो है आपसे दूर हो जाएगा। तो जो एक्सट्रीम टर्मिनस एंड है इनके अगर हम ग्रुप को देखें, इनके ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे, जिसमें से दोनों बी आपकी तरफ है और दोनों ए आपसे दूर है, यानी जो एक्सट्रीम टर्मिनस के ग्रुप जो है वो दोनों ग्रुप सेम प्लेन में रहेंगे जेड एक्स प्लेन में, और ये भी जेड एक्स प्लेन में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने इनका नंबर ओड रखा तो टर्मिनस ग्रुप जो होंगे वो सेम प्लेन में आएंगे, अगर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का नंबर हमने इवन रखा तो टर्मिनस ग्रुप जो होगा ये डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए जीआई की कंडीशन में हमको क्या करना है कि इनमें जो क्यूमुलेटिव बॉन्ड या क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड या क्यूमुलेटिव बॉन्ड प्लस रिंग है इनका नंबर हमको ओड रखना है, ओड रखने से ये जो टर्मिनस ग्रुप है ये हमारे पास सेम प्लेन में आ जाएंगे, और सेम प्लेन में आने के कारण हम इसका सिस ट्रांस ईजेड या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
और बिल्कुल सेम टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न ही हमको स्पायरिन में और हेमिस्पायरिन में मिलेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास स्पायरिन है और उसमें क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या इवन है, तो ये जो टर्मिनस ग्रुप होंगे ये कभी भी सेम प्लेन में नहीं आएंगे। जैसे इस वक्त हमारे पास इसकी संख्या 2 यानी इवन है, तो ये जो टर्मिनस ग्रुप हुए ये तो चले गए हमारे पास वर्टिकल प्लेन में, और यानी ये चले गए एक्स वाई प्लेन में, जबकि ये दोनों ए और बी जो हुए ये चले जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसे हम बोल सकते हैं जेड एक्स प्लेन में। बी जो है आप ऑब्जर्वर है तो ये आपकी तरफ है और ए जो है आपसे दूर है। इसी तरह अगर हमारे पास जो हेमिस्पायरिन है और उसमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड और रिंग की संख्या इवन है, तो इसमें भी जो टर्मिनस ग्रुप होंगे ये सेम प्लेन में नहीं हो सकते। जैसे इस केस में ये जो एच और मिथाइल है ये वर्टिकल प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन में चले जाएंगे, और इस कार्बन पर ये मिथाइल और जो एच है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएंगे। इस वक्त एच जो है आप ऑब्जर्वर हैं तो ये आपकी तरफ रहेगा और सी एच थ्री जो है आपसे दूर रहेगा, यानी ये दोनों ग्रुप जो है जेड एक्स प्लेन में चले जाएंगे। बट अगर इनकी संख्या जो है ओड होती, जैसे इस वाले केस में क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या हमारे पास ओड है, तो ये जो टर्मिनस पे जो ग्रुप होंगे, जैसे इस वक्त ए और बी इस साइड के और इस साइड के ए और बी जो है इनका प्लेन सेम होगा, और इस वक्त आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं और आप ऑब्जर्वर हैं, तो दोनों साइड के जो बी होंगे ये आपकी तरफ होंगे और दोनों साइड के जो ए होंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि इनमें भी सेम पाई बॉन्ड की तरह जो क्यूमुलेटिव रिंग होगी हर एक रिंग दूसरी रिंग के 90 डिग्री पर बनेगी। और अगर इन जो टर्मिनस ग्रुप हैं इनके हम प्लेन की बात करें तो ये दोनों सेम प्लेन में होंगे और जेड एक्स प्लेन में होंगे। इसी तरह ये मॉलिक्यूल के प्लेन भी इस साइड के जेड एक्स प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीन मॉलिक्यूल को वापस से कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास क्यूमलिन है, इसमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की संख्या ओड है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। एक्सट्रीम टर्मिनस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस साइड भी एक्सट्रीम टर्मिनस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यानी ये क्यूमलिन इस वक्त जीआई की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की संख्या ओड है और इस टर्मिनस पर दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और इस टर्मिनस पर अगेन दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, यानी इस मॉलिक्यूल से भी जी आई शो होगी। इसी तरह सेकेंड मॉलिक्यूल अगर स्पायरिन को कंसिडर करें तो इसमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की संख्या जो है ओड है, और इस एंड पर एक तो हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एच एटम है। इसी तरह इस एक्सट्रीम सिरे पर एक तो हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास एच एटम है, तो यानी इस मॉलिक्यूल में भी क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या ओड हो गई और एक्सट्रीम टर्मिनस पर इंडिविजुअली दो दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये स्पायरिन मॉलिक्यूल भी जीआई शो करेगा। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी इनकी संख्या ओड है और एक्सट्रीम टर्मिनस पर दो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस स्पायरिन से भी जीआई शो होगी। इसी तरह थर्ड नंबर में अगर हमें हेमिस्पायरिन को कंसिडर करें तो इसमें डबल बॉन्ड प्लस रिंग इनकी संख्या ओड है, एक्सट्रीम टर्मिनस पर दो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस मॉलिक्यूल के थ्रू भी जीआई शो होगी। और इस मॉलिक्यूल में अगेन जो है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड और रिंग की संख्या इसमें अगेन ओड है, इस सिरे पर हमारे पास एक तो ए एटम है और दूसरा हमारे पास एच होगा, यानी इस सिरे पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए और इस सिरे पर अगेन दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो इस मॉलिक्यूल से भी जीआई शो होगी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में हमारे पास अगेन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड और रिंग की संख्या ओड है, इस सिरे पर एक्स और वाई डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और इस सिरे पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप जेड और डब्ल्यू लगा हुआ है, यानी इस मॉलिक्यूल के थ्रू भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में जीआई प्रेडिक्ट करते वक्त सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है जब हमारे पास स्पायरिन और हेमिस्पायरिन दिया हो। इन दोनों कंपाउंड में हमको पूरे सिस्टम में एक्सट्रीम टर्मिनस एंड पर ग्रुप डिफरेंट देख के जीआई प्रेडिक्ट करनी है, और जो ये रिंग है इनको इंडिविजुअल रिंग पर साइक्लो एल्केन की कंडीशन के थ्रू भी जीआई देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर वन में हमारे पास क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का नंबर इवन है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं कर सकता। इसी तरह
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हमारे पास क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो हमारे पास ओड है, और एक्सट्रीम टर्मिनस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कारण से ऐसे मॉलिक्यूल में ये जो टर्मिनल वैलेंसी है ये सेम प्लेन में आ जाएगी। सेम प्लेन में आने के कारण इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमारे पास एक क्यूमुलेटिव सिस्टम दिया गया है जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, जबकि ये हमारे पास सिंपल एल्कीन है। अगर हम इसको कंसिडर करें तो इवन नंबर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो सकते। अगर हम इस एल्कीन को चेक करें तो इसके दोनों sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इस sp2 कार्बन पर हमारे पास मिथाइल और H है, जबकि इस sp2 कार्बन पर एक हमारे पास H ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप H से डिफरेंट है। तो ये मॉलिक्यूल जो है इस एल्कीन बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फोर, इस एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ बॉन्ड दे रखे हैं, ये हमारे लिए जीआई का सेंटर नहीं हो सकता। इस एल्कीन में यहाँ पर दो सेम एटम प्रेजेंट है, इससे भी जीआई नहीं आ सकती। अगेन इस एल्कीन में इस कार्बन पर दो आइडेंटिकल एच प्रेजेंट है, ये भी हमारे लिए जीआई का सेंटर नहीं है। इसी तरह इस टर्मिनस एल्कीन पर अगेन इस कार्बन पर दो आइडेंटिकल एच प्रेजेंट है, तो इस हिस्से भी जीआई डेवलप नहीं हो सकती। अब बचा हमारे पास ये सिंपल एल्कीन वाला बॉन्ड, अगर इसको हम कंसिडर करें इस कार्बन पर अगेन दो ग्रुप डिफरेंट है, एम ई और एच। इसी तरह इस कार्बन पर भी दो ग्रुप डिफरेंट है, एक हमारे पास एच है और दूसरा ये वाला पूरा ग्रुप है जो एस से डिफरेंट होगा। तो एग्जाम्पल नंबर फोर में इस हिस्से से जी आई इसमें पॉसिबल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर फाइव नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो क्यूमुलेटिव बॉन्ड है इनकी संख्या जो है हमारे पास पांच है, यानी क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास ओड है, और एक्सट्रीम टर्मिनस पर ये दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट है, और इनका अगर प्लेन की बात करें तो ओड नंबर ऑफ बॉन्ड होने के कारण ये दोनों ग्रुप जो होंगे इन दोनों ग्रुप के साथ सेम प्लेन में होंगे, और दोनों ग्रुप इंडिविजुअली डिफरेंट होने के कारण ये वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, C2O2 को अगर एसिडिक मीडियम में हम कंसिडर करें तो सबसे पहले बात करते हैं ये हमारे पास C2O2 की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कार्बन पर क्यूमुलेटिव बॉन्ड होते हैं। अगर हम इसमें H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम में इसको कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास बेसिक साइट है और यहाँ पे हमारे पास बेसिक साइट है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक एक लोन पेयर H एटम को देखकर एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, यानी C2O2 एसिडिक मीडियम में हमको इस तरह से दिखेगा। ऐसा होने पर इसमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का नंबर जो है ओड हो जाएगा, और अगर एक्सट्रीम टर्मिनस एंड की बात करें तो इस एंड पे इन दोनों ग्रुप को CIP रोल के अकॉर्डिंग डिफरेंट माना जाएगा, और इस एक्सट्रीम एंड पर इन दोनों ग्रुप को CIP रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट माना जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स जो है एसिडिक मीडियम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बगैर एसिडिक मीडियम अगर कंसिडर करें तो इसमें इनका जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है वो तो ओड है, बट एक्सट्रीम टर्मिनस पर दोनों पे जो दोनों लोन पेयर हैं वो सेम है। इसी तरह इस एक्सट्रीम एंड पर ये दोनों लोन पेयर सेम है, यानी C2O2 नॉर्मल कंडीशन में GI शो नहीं करता, जबकि एसिडिक मीडियम में GI शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर सेवन, एग्जाम्पल नंबर सेवन में हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर जो है इवन है, जबकि हमें इसका नंबर जो है ओड चाहिए था। तो ऐसा मॉलिक्यूल क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण तो जीआई शो नहीं करता, बट स्पायरेन में और हेमिस्पायरेन में हमें हर रिंग का साइक्लोएल्केन वाली कंडीशन को कंसिडर करते हुए जीआई चेक करनी है। जैसे अगर इस रिंग में साइक्लोएल्केन की कंडीशन को कंसिडर करें तो हमको इस रिंग में कम से कम दो ऐसे कार्बन ढूंढने हैं जो डिफरेंटली इंडिविजुअली डाई सब्स्टिट्यूटेड हो। जैसे यहाँ पर एक कार्बन तो हमको मिल गया जो sp3 है और जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, बट इस पे अगेन दो एच सेम है, इस पे भी दो एच सेम है, और इस कार्बन की बात करें तो इस पे ये दोनों ग्रुप जो है इंटायरली सेम है। तो एग्जाम्पल नंबर सेवन जो है पूरे क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण या इंडिविजुअल रिंग के कारण जीआई जो है शो नहीं कर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर एट, एग्जाम्पल नंबर एट में हमारे पास अगेन क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर जो है इवन है, यानी क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण तो जीआई शो नहीं कर सकता। अब इंडिविजुअल रिंग को चेक करते हैं। इस रिंग में यहाँ भी दो हमारे पास आइडेंटिकल है, यहाँ भी आइडेंटिकल दो एच है, यहाँ पर दो आइडेंटिकल एच है, तो इस रिंग से तो जीआई नहीं आ सकती। अब बात करते हैं इस रिंग की।
इस रिंग में हमारे पास एक हमारे पास ऐसा कार्बन मिल गया जिसमें हमारे पास मिथाइल और एच डिफरेंट है, बट इस रिंग में ऐसा और कोई भी कार्बन नहीं है जिसमें दो ग्रुप डिफरेंट लगे हो। जैसे यहाँ पर दो एच सेम है, यहाँ पे दो एच सेम है। अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो है सेम है, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण भी जीआई शो नहीं कर रहा और इंडिविजुअल रिंग के कारण भी जीआई शो नहीं कर रहा, यानी इससे हमको जीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास इवन नंबर में क्यूमुलेटिव रिंग है, तो क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण तो जीआई पॉसिबल नहीं हो सकती। अब चेक करते हैं इसकी इंडिविजुअल रिंग को। इस रिंग को अगर हम चेक करें तो इस रिंग पर हमारे पास मिथाइल और एच लगा हुआ है, यानी दो डिफरेंट एटम हमको मिल गए, जबकि इस पे दो सेम एच है, यहाँ भी दो सेम एच है। और अगर इसकी बात करें तो ये दोनों ग्रुप जो है सेम है, तो इस मॉलिक्यूल में इस इंडिविजुअल रिंग के कारण जीआई पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इस रिंग की। इस रिंग में इस कार्बन पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये वाला एंड जो है इस वाले एंड से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दो CH2 मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास CH पे मिथाइल आ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल जो है पूरा क्यूमुलेटिव सिस्टम से जीआई शो नहीं करेगा, इस रिंग से जीआई शो नहीं करेगा, ये इस रिंग से जीआई शो करेगा, यानी जो ये मॉलिक्यूल है इन दो कार्बन के अलोंग जो है जीआई शो कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें तो इस एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास रिंग जो का जो नंबर है वो इवन है, तो इसलिए ये क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण तो जीआई नहीं दे पाएगा। अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करें तो इस कार्बन पर हमारे पास मिथाइल है और एक यहाँ पे एच है, तो ऐसे इस रिंग में दो कार्बन ढूंढने हैं हमको। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पर हमारे पास ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको CH और मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, जबकि इस हिस्से पे हमको CH2 मिल रहा है। तो इस रिंग में हमारे पास ऐसे दो कार्बन मिल गए जो sp3 थे और दोनों पे इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप थे। जैसे इस पे हमको मिथाइल और एच मिल गया और इस कार्बन पर ये पूरा ग्रुप जो हुआ इस पूरे ग्रुप से डिफरेंट हुआ, तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11। इस एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव रिंग का जो नंबर है वो इवन है, तो इस क्यूमुलेटिव सिस्टम से तो जीआई पॉसिबल नहीं है। अब इसका कोई भी एटम कंसिडर कर लो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे दो एच सेम है, दो एच सेम है, इस पे भी दो एच सेम है, इस पे दो एच सेम है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर दो लोन पेयर सेम है, इसी तरह इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर सेम है, यानी हमको इस पूरी रिंग में कहीं भी ऐसा कोई एटम नहीं मिला जो साइक्लो एल्केन की कंडीशन को फुलफिल करता हो, यानी एग्जाम्पल नंबर 11 जो है इसमें जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्यों पूरा क्यूमुलेटिव सिस्टम जो है उसके थ्रू तो जीआई नहीं आ सकती। अब चेक करते हैं इंडिविजुअल रिंग को। इंडिविजुअल रिंग में हमारे पास ये एक ऐसा एटम है जिस पे हमारे पास लोन पेयर और एच दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और इसी तरह अगर हम इस कार्बन एटम को कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास एन से जुड़ा हुआ हिस्सा है और यहाँ पे हमारे पास कार्बन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, तो ये हमारे पास कार्बन ऐसा मिल गया जो sp3 है जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और एक एटम हमारे पास n ऐसा मिल गया जिस पे h और लोन पेयर लगा हुआ है। तो यानी इस रिंग में हमको ऐसे दो एटम मिल गए जिन पे इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे, तो एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उससे जीआई पॉसिबल हो पाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13 में अगेन हमारे पास क्यूमुलेटिव सिस्टम है जिसमें रिंग की संख्या इवन है, तो इस पूरे सिस्टम से तो जीआई पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं इंडिविजुअल रिंग को। इस रिंग में हमारे पास ये एक ऐसा एटम है जिस पर लोन पेयर और एच दो डिफरेंट ग्रुप हमको मिल गए, इसी तरह अगर हम इस कार्बन एटम को कंसिडर करें तो इस पर ओ जुड़ा हुआ है और इस पे यहाँ पे CH2 है, यानी ये दोनों हिस्से जो हो गए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट ग्रुप की तरह डील किए जाएंगे, यानी इस रिंग में हमारे पास एक एटम ये रहा जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप एच और लोन पेयर प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम ये रहा जिस पे हमारे पास ओ से जुड़ा हुआ हिस्सा और CH2 से जुड़ा हुआ हिस्सा प्रेजेंट है, यानी ये मॉलिक्यूल जो है इन दो एटम के रिगार्डिंग जीआई शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव रिंग का जो नंबर है वो ओड है
और ये दोनों सिरे इसमें डिफरेंट है, अगेन यहाँ पे ये दोनों सिरे डिफरेंट है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर 15, 15 नंबर एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या ओड है, बट यहाँ पर ये दोनों टर्मिनस जो है सेम है, और यहाँ पर ये दोनों सिरे जो है वो सेम है, इसलिए ऐसा मॉलिक्यूल में जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल नंबर 16, 16 नंबर एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या हमारे पास ओड है, बट इसमें ये टर्मिनस भी सेम है, और अगर एक्सट्रीम टर्मिनस की बात करें तो एक्सट्रीम टर्मिनस भी सेम है, तो इसमें क्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण तो जीआई नहीं है। अब बात करते हैं इसकी इंडिविजुअल रिंग की। अगर इस रिंग में हम कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर एच और लोन पेयर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और इसी तरह से इस एटम को कंसिडर करें तो इस पे अगेन दो आइडेंटिकल एच है, इस ऑक्सीजन एटम पर दो आइडेंटिकल लोन पेयर है, और इस कार्बन पर यहाँ वाले ये दो हिस्से तो डिफरेंट हैं, बट यहाँ से ये पूरे दो हिस्से सेम हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 क्यूमुलेटिव सिस्टम से भी जीआई शो नहीं कर रहा, और किसी भी इंडिविजुअल रिंग के रिस्पेक्ट में भी ये जीआई शो नहीं कर रहा, तो इससे किसी भी तरीके से जीआई पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर हमारे पास ओड है। अगर हम एक्सट्रीम टर्मिनस की बात करें तो इस एंड पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक हमारे पास एच है और एक हमारे पास लोन पेयर है। इसी तरह इस एंड पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक हमारे पास एच है और एक हमारे पास लोन पेयर है। तो क्यूमुलेटिव बॉन्ड का नंबर, क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर हमारे पास ओड हो गया, और एक्सट्रीम टर्मिनस एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 17 से जीआई पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 में हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या ओड है, बट ये एक्सट्रीम टर्मिनस इस एक्सट्रीम टर्मिनस के इक्वल है, इसी तरह ये वाला सिरा भी इसके इक्वल है, और यहाँ पे पूरे सिस्टम के थ्रू तो जीआई पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर हम इस रिंग को कंसिडर करें तो हमारे पास ये एक ऐसा एटम है जिस पर एच और लोन पेयर दो डिफरेंट ग्रुप हमको दिख रहे हैं, इसी तरह इसी रिंग में ये एन एटम एक ऐसा एटम हुआ जिस पे अगेन हमारे पास एन पर एच और एक लोन पेयर है, तो यानी इस रिंग में हमको दो एटम ऐसे दिख गए जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली लगे हुए हैं, तो इसके थ्रू जो है इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर जो है ओड है। अगर हम इस एक्सट्रीम सिरे की बात करें ये तो हमारे पास सेम है, बट यहाँ पर हमारे पास ये दोनों सिरे जो हैं वो डिफरेंट हैं, और इसी तरह इस रिंग में ये दोनों सिरे भी डिफरेंट हैं, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 19 जो होगा इससे जीआई पॉसिबल होगी। एग्जाम्पल नंबर 20, इस एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर हमारे पास ओड है, बट एक्सट्रीम टर्मिनस एंड इसके अगेन सेम है। इन टर्मिनस की बात करें तो ये दोनों सिरे भी सेम है, इसमें ये दोनों भी सिरे सेम है, बट ऐसे कंपाउंड में जैसे हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल रिंग की भी जीआई चेक करनी है। अगर हम इस रिंग को कंसिडर करें तो इस रिंग में साइक्लोएल्केन की कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि इस कार्बन एटम पर हमारे पास मिथाइल और एच दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, इसी तरह इस कार्बन एटम पर हमारे पास एक मिथाइल और एक एच दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, और दोनों ही ये एटम जो है यानी कार्बन एटम जो है sp3 है, तो इस मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल हो सकती है, इसलिए इस एग्जाम्पल में जीआई पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 21, इस एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव रिंग की संख्या हमारे पास ओड है। अगर इस एक्सट्रीम टर्मिनस की बात करें ये तो दोनों हमारे पास सेम है, बट अगर हम इस सिरे से कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास डिफरेंट है, इसी तरह इस मॉलिक्यूल के इस पार्ट में ये सिरा इससे डिफरेंट है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है जीआई शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर 22, इस एग्जाम्पल में हमारे पास इनकी संख्या ओड है, और यहाँ पर हमारे पास सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस मॉलिक्यूल में क्यूमुलेटिव सिस्टम के थ्रू तो जीआई पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर हम इस रिंग में इंडिविजुअली जीआई चेक करें और साइक्लोएल्केन की कंसिडर करें कंडीशन को, तो इस कार्बन पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक हमारे पास ME है और एक हमारे पास H है,
इसी तरह इस कार्बन एटम पर हमारे पास अगेन दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक एम ई है और दूसरा एच है, यानी ये जो मॉलिक्यूल होगा इन दोनों कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में जी आई शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 23। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग का नंबर ओड है, इसके एक्सट्रीम टर्मिनल सेम है, ये दोनों भी इसमें सेम है, ये दोनों भी इसमें सेम है, और किसी भी तरह से इस कंपाउंड में इंडिविजुअल रिंग की भी जीआई पॉसिबल नहीं है और ना ही पूरे क्यूमुलेटिव सिस्टम की जीआई पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल नंबर 23 से किसी भी तरीके से जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 24, अगर इन एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो ये एग्जाम्पल जो है क्यूमुलेटिव सिस्टम के एग्जाम्पल नहीं है, यानी 24 से लेकर 26 तक क्यूमुलेटिव सिस्टम के एग्जाम्पल नहीं है, बट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसलिए हम इसको डील कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 24 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन में तो कभी हमने जीआई डिस्कस करी नहीं, अनटिल अनलेस तीन बेंजीन वाले केस ना हो, जो अभी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके से जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 25 की बात करें तो इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास साइक्लोएल्केन है और इस कार्बन एटम पर हमारे पास बेंजीन और एच दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरह इस कार्बन एटम पर हमारे पास बेंजीन और एच दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल में साइक्लोहेक्सेन में जीआई की कंडीशन जो है इन दोनों कार्बन के थ्रू फुलफिल हो रही है, इसलिए इस मॉलिक्यूल से जीआई पॉसिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास इसमें अगेन दो बेंजीन रिंग लगी हुई है, अभी हमने डिस्कस करा था जब तक ये हमारे पास तीन बेंजीन रिंग नहीं है तब तक जीआई की इसमें पॉसिबिलिटी इनके थ्रू पॉसिबल नहीं है, और साइक्लोहेक्सेन पर हमारे पास मात्र एक ऐसा कार्बन जो है हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है क्योंकि इस पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, बट ऐसे हमको कम से कम दो कार्बन ढूंढने थे साइक्लोएल्केन में, तो 26 नंबर एग्जांपल है, इसे जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 27 में हमारे पास हेमिस्पायरिन दिया गया है, इसमें इनकी संख्या जो है ओड है और इस टर्मिनस पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक हमारे पास OH है और दूसरा इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसी तरह इस N की बात करें तो इस N पर भी हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप, एक OH है और दूसरा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है। चूंकि CIP रूल में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लोन पेयर को हम स्यूडो एटम की तरह ट्रीट करते हैं, यानी ये दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे, इसी तरह ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट ग्रुप कंसिडर करे जाएंगे, और इस कारण से एग्जाम्पल नंबर 27 जो है क्यूमुलेटिव सिस्टम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और इससे जीआई पॉसिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सी ट्राइफेनिल सिस्टम या टर्फेनिल सिस्टम, इस सिस्टम में जीआई को चेक करने के लिए पहले तीन चीजें चेक की जाती है। नंबर वन, क्या इस मॉलिक्यूल में फ्रोजन रोटेशन है? क्या फ्रोजन रोटेशन के लिए क्या करते हैं, जो ट्राइफेनिल सिस्टम होता है इसमें तीन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं और ये बेंजीन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होती हैं। अगर बीच वाली रिंग में इन पोजीशन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ रहे और इन दो रिंग पर यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट रहे तो ऐसी कंडीशन में ट्राइफेनिल सिस्टम या टर्फेनिल सिस्टम में फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, यानी इसमें रिजिड रोटेशन या फ्रोजन रोटेशन होता है। ठीक है, और इस रोटेशन से होगा क्या, इस रोटेशन से जो बेंजीन रिंग होगी वो पहले वाली बेंजीन रिंग के एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगी, यानी राइट एंगल पे होगी। सपोज इस केस में इस वाली रिंग को हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं तो ये वाली रिंग कहाँ चली जाएगी, वर्टिकल पे चली जाएगी, और ये वाली रिंग जो होगी वर्टिकल के 90 डिग्री पर यानी हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगी, तो ये पहली और तीसरी रिंग जो होगी वो एक दूसरे के सेम प्लेन में होगी। इसका मतलब ऐसी कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम जीआई की कंडीशन को मैच करते हैं। जीआई की कंडीशन क्या है, जीआई की कंडीशन ये है, ये जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड रिंग है उसमें यहाँ पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। अगर इसमें डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है जीआई शो करेगा। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमारे पास फ्रोजन रोटेशन की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बट यहाँ पर आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, या इस रिंग में हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस मॉलिक्यूल के थ्रू जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एग्जांपल नंबर सेकंड को कंसिडर करें तो अगेन इसमें हमारे पास फ्रोजन रोटेशन है,
जिसके कारण ये वाली रिंग जो है इनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहे हैं, और ये टर्मिनस इस टर्मिनस से डिफरेंट है। इसी तरह ये वाला सिरा जो है इससे डिफरेंट है, तो एग्जांपल नंबर सेकंड में जी आई जो है पॉसिबल होगी। अगर हम इसमें सिस और ट्रांस की बात करें तो इसमें दो आइडेंटिकल सिरे जो है इन रिंग में सेम साइड है, और यहाँ पे अगेन दो आइडेंटिकल सिरे सेम साइड में है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है सिस कंडीशन में होगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में अगेन हमारे पास फ्रोजन रोटेशन है, जिसके कारण हम फर्स्ट और थर्ड रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेते हैं, और ऐसा होने के बाद इसमें ये दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट है। इसी तरह इस रिंग में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और सिस ट्रांस की बात करें तो इसमें सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में है, और इधर सीएल और सीएल यानी अगेन सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए ऐसा मॉलिक्यूल जो है सिस अरेंजमेंट शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर फोर में भी हमारे पास फ्रोजन रोटेशन डेवलप हो चुका है, जिससे फर्स्ट और थर्ड रिंग को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेते हैं, और सेम प्लेन में होने के कारण अब इसमें जी आई की कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये दोनों ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है इस रिंग में, यहां पर दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप जो है सेम साइड में है, और इधर भी सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो ऐसा मॉलिक्यूल सिस अरेंजमेंट शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फाइव में इस सिस्टम में हमारे पास फ्रोजन रोटेशन तो डेवलप हो चुका है, बट अगर हम इस रिंग की बात करें तो यहां पर हमारे पास सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में हमारे पास फ्रोजन रोटेशन डेवलप हो चुका है, बट अगर फर्स्ट और थर्ड रिंग की बात करें तो ये सिरा जो है इस सिरे के आइडेंटिकल है, और इस रिंग में भी ये सिरा हमारे पास इस सिरे के आइडेंटिकल है, तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स जो होगा इससे जी आई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल नंबर सेवन में फ्रोजन रोटेशन है, जिसके कारण फर्स्ट और थर्ड रिंग को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहे हैं, ये दोनों ग्रुप जो है आपस में डिफरेंट है, और ये दोनों ग्रुप जो है आपस में डिफरेंट है, तो इस मॉलिक्यूल में जी आई पॉसिबल होगी। एग्जाम्पल नंबर एट में तीनों ही रिंग में बल्की ग्रुप होने के कारण फ्रोजन रोटेशन डेवलप हो चुका है, इस कारण से इसकी फर्स्ट और थर्ड रिंग को हम सेम प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं, और इस रिंग में अगर इन सिरों की बात करें, ये दोनों सिरे आपस में डिफरेंट हैं, और इस रिंग में ये दोनों एंड जो है आपस में डिफरेंट हैं, और ऐसा होने के कारण इस मॉलिक्यूल से जी आई पॉसिबल होगी। अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में जो सेम सिरे हैं वो सेम साइड में है, या सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में होने के कारण इस मॉलिक्यूल में सिस अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर नाइन में अगेन बल्की ग्रुप होने के कारण पूरे सिस्टम में फ्रोजन रोटेशन हो जाएगा, और इसमें फर्स्ट और थर्ड रिंग को अगेन हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहे हैं, बट यहाँ पर सेम ग्रुप होने के कारण इस मॉलिक्यूल में जी आई पॉसिबल नहीं हो पाएगी, यानी इन रिंग में इंडिविजुअली इन जगहों पर डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है, तो एग्जाम्पल नंबर नाइन से जी आई पॉसिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर टेन में फर्स्ट और थर्ड रिंग चली जाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये ग्रुप जो है इसके डिफरेंट है, और इस रिंग में ये ग्रुप इसके डिफरेंट है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में जी आई पॉसिबल होगी। अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो इसमें सेम ग्रुप जो होगे वो एक साइड में है, और इधर भी सेम ग्रुप जो है सेम साइड में है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में सिस पैटर्न होगा। एग्जाम्पल नंबर इलेवन की बात करें तो अगेन हमारे पास फ्रोजन रोटेशन होने के कारण फर्स्ट और थर्ड रिंग जो है सेम प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में चली जाएगी। इसमें अब ये वाला एंड जो है इस वाले एंड से डिफरेंट है, और इस रिंग में ये वाला एंड जो है इस वाले एंड से डिफरेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो इसमें सेम ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड में होने के कारण मॉलिक्यूल में सिस अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व में हमारे पास अगेन बल्की ग्रुप लगे होने के कारण पूरे सिस्टम में फ्रोजन रोटेशन डेवलप हो जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड रिंग जो होगी वो चली जाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इस रिंग में यहां पर लगे हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट है,
इस रिंग में यहाँ पर लगे हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं, इस कारण से इस मॉलिक्यूल में जीआई पॉसिबल हो पाएगी। अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो इसमें जो सेम ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के डायगोनल होते हैं, और डायगोनल होने के कारण ये मॉलिक्यूल ट्रांस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके गाइस, लेट्स पॉज अवर इंटरेक्शन एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।